इनका नाम चाहत है और एक ये ख्वाजा सरा है डांसर है मुख्तफ तकरीबों पर जाती है प्राइवेट तकरीब हो या प्राइवेट फंक्शन हो या फिर शादी वगैरह हो मंगनियाँ हो वहाँ पर जाकर ये नाच गाना करती है और उसके बाद वो पैसे कमाती है बहुत बड़ा नाम है के पी के में पेशावर और कोहाट और इसके अलावा मरदान चारसदा नुशहरा के लोग इनको जो है खसूसी दावत देते हैं एक बहुत बड़ी फ़ीस अदा करते हैं उसके बाद इनको बुलाया जाता है और इनको आम आदमी या आम शादियों में नहीं बुलाया जाता जो बड़े चौधरी या सरदार टाइप के लोग होते हैं वो इनको बुलाते हैं चूँकि के पी के में कल्चर है कि जो बड़े लोग होते हैं या जो आयाश लोग होते हैं वो अपनी शादियों पर अपने फंक्शंस पर इन ख्वाजा सराओं को बुलाते हैं और बहुत बड़े बड़े नाम है बहुत सारों का कत्ल भी हो चुका है ख्वाजा सराओं का और बहुत सारे ख्वाजा सराहों की वजह से आपस में इनकी कुछ पार्टियों की लड़ाई झगड़े हुए और उसमें भी कुछ कत्ल हुए बल्कि सैकड़ों कत्ल हो चुके हैं जिस तरह से कल्चर पंजाब के अंदर है कि शादियों पर शराब पी जाती है और उसके अलावा एक अहम जुज़ समझा जाता है जो बड़ी शादियाँ होती है या बड़े किसी चौधरी वडेरे की शादी होती है वहाँ पर और इसके अलावा डांसर्स को बुलवा कर खुवान जो डांसर्स होती हैं उनसे मुजरा करवाया जाता है और इस मुजरों के दौरान जो है बायदा कतल किए जाते हैं इवन के जो खातून डांस कर रही होती है उसको भी मार दिया जाता है ये वाक़ जो चाहत की वजह से पेश आया चाहत ये ख्वाजा सरा है इनकी वजह से कोहाट में पेश आया कि एक चाहत की वजह से जो कि ख्वाजा सरा है छः अफराद का कत्ल हुआ है बड़ी अजीब सी कहानी है मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखी है कहानी यह है कि चाहत एक फंक्शन पर जाती है शादी की तकरीब दी है किसी बड़े चौधरी की जानब से ये तकरीब रखी गई है लाखों में इसको बाकायदा फ़ीस अदा की गई है इसके साथ कुछ और ख्वाजा सरा भी वहाँ पर आए थे जो नामी ग्रामी हैं तो कतल कुछ इस तरह से हुए कि जब फंक्शन चल रहा तो जाहिर सी बात है सब नशे में थे और के पी के में असला वगैरह वाफर होता है तो असलाह पकड़ा हुआ था सब ने हवाई फायरिंग भी चल रही थी इस दौरान एक पार्टी जो बैठी हुई थी वो चाहत को कह रहे थे कि जनाब आप हमारी तरफ आकर डांस करें दूसरी पार्टी कह रही थी कि नहीं आप हमारी तरफ आकर डांस करें इसी इस में जनाब जद्दबाजी शुरू होती है और इसी जद्दबाजी के दौरान जो है एक पार्टी दूसरी पार्टी पर फायरिंग करते हैं इसी तरह मुखालिफ पार्टी जो है वो भी जवाबन फायरिंग करती है और इस फायरिंग के नतीजे में छः अफराद मौके पर जाबाहक हो जाते हैं जबकि छः से आठ अफराद शदीद जख़्मी हो जाते हैं जिनकी हालत अभी भी तशवीशनाक है और वह हॉस्पिटल में है अपाहिज तो वो हो चुके हैं या किसी की टांग टूट गई या किसी की बाजू पर फायर लग गया तो उसका बाज़ू टूट गया है या फ्रैक्चर हो गया या हड्डी मुकम्मल सिरे से ख़त्म हो चुकी है उसकी या फिर कुछ ऐसे है कि उनकी हालत इंतहा तशवीशनाक है देखिए कितनी अफसोस और कितनी शर्म की बात है ठीक है ख्वाजा सराव का काम ही यही है नाचना आपकी हुकूमत ने आपके इदारों ने आपकी किसी गवर्नमेंट ने किसी सियासतदान ने किसी सियासी पार्टी ने इनके लिए कोई इस तरह का फॉरम तो बनाया नहीं कि जहाँ पर जाकर ये हक हलाल की रोज़ी कमा सके हाँ कुछ ख्वाजा सरा अपने बल बोते पर या पढ़ लिख जाते हैं या फिर कोई हुनर सीख जाते हैं उसके बाद वो काम शुरू करते उससे हलाल रोज़गार कमाते हैं तो जो बाकी पचानवे परसेंट है उनके साथ यही होता है कुछ चौकों पर मांगते हैं कुछ जो है नाचते हैं कुछ गलत काम करते हैं कुछ बाकायदा जराइम में भी मुल्व होते हैं ये भी बहुत बड़े इनकशाफ उनके बारे में हो चुके हैं तो शर्म की बात उन घरानों के लिए होगी जो वफात पा चुके हैं जो जाबाक हो गए इस सानहे में उनके जो फैमिली के लोग हैं ना तो वो मीडिया के सामने आ सकते हैं ना वो पुलिस में खुल कर बयान दे सकते हैं कि भाई हमारा एक ख्वाजा सरा जिसको खुसरा कहा जाता है कि खुसरे की वजह से मेरे भाई या मेरे अबू या मेरे चाचू या मेरे किसी दोस्त की जान गई है कितनी कोई शर्म और अफसोस की बात है फिर ये हुआ इस मामले को कंट्रोल करने के क्योंकि ये चाहत का चाहत की वजह से ये कोई पहली मरतबा छः कत्ल नहीं हुए इससे पहले कई वारदातें कई इस तरह के वाक़ हो चुके हैं तो इवन के वहाँ के एक जयाल्ला बंकश है इन्फॉमेशन सेक्ट्री है या पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुशीर है उन्होंने बाकायदा वहाँ पर उनकी जो इंतज़ामिया है डी पी ओ को बुलाया मीटिंग कीमां से मशवरे किए कि भाई इसका क्या हल निकाले इस औरत ने तो अज़ाब मचा दिया क्योंकि कोहाट में ये पहला नहीं पता नहीं पाँच या छ पाँचवा या छठा वाक़ है तो उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया कि जनाब इस मामले का जो जड़ है ना इस मसले की जो जड़ है वो कोई और नहीं बल्कि चाहत है तो हम चाहत को ज़िला बदर कर देते हैं यानी कि कोहाट से बाहर निकाल देते हैं तो आखिर में डी पी ओ ने यह फैसला लिया और चाहत को सूबे से निकाल दिया गया चाहत के जो बाकी साथी है उन लोगों ने एहताज भी किया जो ख्वाजा सराय कि ये हमारे साथ ज़्यादा हो रही है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है जो वो लोग नशे में थे वो आपस में लड़े उन्होंने आपस में कत्ल वारत की हम तो बड़े नाचने वाले और अमन पसंद लोग हैं हमारा ये काम है बड़ा अफसोसनाक वाफ़िया मेरी नज़र से गुज़रा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जब तक हुकूमत इनके लिए ऐसे कोई फ़ोरम्स नहीं बनाएंगे तब तक ये होगा दूसरी बात ख्वाजा सराव को बुलाकर या जो नाचने वाली होती है डांसर्स जो होती हैं उनको बुलाकर ये हंगामे ये कोई पहला वाक़ नहीं है पंजाब के अंदर भी हुआ है बलोचिस्तान में हुआ है सिंध में तो एक सिंगर को बाकायदा मार दिया गया था एक लोकल सिंगर थी उसको बुलाया उसको मार दिया उन्होंने कत्ल कर दिया नशे में क्योंकि वो दूसरी पार्टी का पसंद का गाना नहीं गा रही थी तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है जो लोग अगर देहातों में शादियाँ इस किस्म की होती है आपको पता है कि यहाँ पर शराब पी जाएगी यहाँ पर असला चलाया जाएगा यहाँ पर मुजरा करवाया जाएगा तो आप लोग इससे ग्ररेज करें क्या फ़ायदा खाना खाए निकल के आ जाए अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी आपको बुलाया गया इस इस किस्म की शादियों में ये तो आपकी जान भी जा सकती है ये देख लें आप एक खुसरे की वजह से बारह लोग मतलब कि छः तो मर गए छः शदीद जख्मी है उनका भी कोई अता पता नहीं है और इससे पहले कई मर्डर हो चुके हैं इस वाक़े के हवाले से कॉमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय हो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिए पाकिस्तान पाइंदाबाद